नमस्कार, मैं यासीन धरा, BTS न्यूज में आपका स्वागत है। एक तरफ हमारे देश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और नारी सशक्तिकरण की बातें हमें बताई जाती है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमें कदम कदम पर जागरूक किया जाता है, लेकिन आज भी हमारे देश तथा शहर में आज भी कई राज्य और जिले ऐसे हैं जहां पर आज भी महिलाओं पर अत्याचार होने के कई संगीन मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में हमारे सूरत शहर की जो बात की जाए तो सूरत शहर में महिलाओं पर अत्याचार होने के मामले टॉप पर जा चुके हैं। आए दिन हमारे शहर में महिलाओं पर अत्याचार होने के मामले अक्सर सुर्खियों में ही रहते हैं। अभी ताजा मामला सूरत के सिटी लाइट रोड क्षेत्र का है। आपको बता दें कि सूरत के सिटी लाइट रोड पर स्थित संगम सोसाइटी के निवासी हीना पराग मोदी, जो कि फैशन डिजाइनर है और एक्वीरियंस नामक ब्यूटिक चलाकर अपनी दो बेटियों के साथ रहते हैं। हीना बेन की शादी पराग रजनीकांत मोदी नामक शख्स के साथ साल 2000 में हुई थी, लेकिन जब से हीना बेन की शादी पराग रजनीकांत के साथ हुई तब से लेकर अब तक हीना बेन पर उनके पति और ससुराल वालों द्वारा किसी न किसी बात पर उलझकर हीना बेन पर अत्याचार करने लगे। अपनी लाइफ में हीना बहन ने बहुत ही स्ट्रगल करके अपने आप को संभाला और अपना बिजनेस खड़ा किया, लेकिन अब तो हीना बेन के ससुराल वालों के अत्याचार की हद ही हो गई। आपको बता दें कि हीना बेन को अपने किसी काम से पेरिस जाना पड़ा, उस दौरान उनके ससुराल वालों ने षड्यंत्र रचकर उनकी। मेरा नाम हीना मोदी है, मैं यहाँ पे 17 ईयर से फैशन इंडस्ट्री में हूँ। मेरे साथ यहाँ पे मेरा स्टूडियो, आज पिछले 9 साल से यहाँ पे मैं हूँ, और मेरे को यहाँ से रातों रात ये लोग ने मेरा स्टूडियो 2.5 करोड़ का लूट लिया, मेरे ससुराल वालों ने नहीं बताए बिना। पहले थोड़ा 6 महीने पहले भाड़े मांग रहे थे मेरे से, उसके पहले मेरे से इनकम टैक्स पेपर मांग रहे थे। बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट चल रहा है, मेरी दो बेटी है, ये हरकत करने का मुझे पता नहीं है क्या चीज़ है, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। और ये चीज़ मेरे को रातों रात मेरा स्टूडियो खाली करने के लिए उसको कितनी हिम्मत है मुझे नहीं समझ आ रही है। पूरा 2.5 करोड़ का पूरा खाली कर दिया है। मैं आपको फोटोज दूंगी, यहाँ पे मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड सब, दो महीने पहले यहाँ पे फोटोशूट था मेरा GFDD का, पूरा एक्वेरियन इज अ ओनर ऑफ द बोथ द ब्रांड, और हम लोग का शो था यहाँ पे, सारे मॉडल्स आके गए। आप देखोगे दोनों का डिफरेंस क्या है, कुछ बाकी ही नहीं रखा है उसने। हाँ, पुलिस कंप्लेंट चल रही है, वो लोग ऑन द वे है, ऐसा नहीं है, वो लोग फॉलो अप में है। मेरे सासू ससरा, मेरे हस्बैंड और हाँ, गीता बेन मोदी, रजनीकांत बेन मोदी और पराग मोदी। आपको कैसे पता चला कि बस ये तीन घर में ही थे और रातों रात काम हुआ, इसका मतलब घर के फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग ही रह रहे थे। और पिछले 6 महीने से पराग मोदी मेरी माँ के पास ही रह रहा था, क्योंकि इन्होंने मेरे को मेरे बच्चों के लिए 1 साल से पैसे देना बंद कर दिया था, फिर ये लोग ने भाड़ा मांगना शुरू किया। मीन्स ये लोग ने मेरे साथ गैर वर्ताव, क्योंकि मेरे पास दो बेटियाँ हैं, तो दो बेटियाँ हैं इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि तुम बहू के साथ कुछ भी कर सकते हो। फिर भी मैं इनसे एक भी रुपया नहीं मांगती हूँ, मैं खाना भी खुद खाती हूँ, कमाती हूँ, बच्चों को भी खुद पालती हूँ, इलेक्ट्रिक बिल इस पूरे बंगले का कमर्शियल मैं भरती हूँ, और वेरा रसीद ने सब कुछ मेरे नाम से भरती है।